Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations and it has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. And Abhimanyu IES, ke, there is this course which is already going on, current affairs courses. let me tell you what is टू द्वाइंट इज अज जहां पर हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं बहुत टू द पॉइंट तरीके से प्री में क्या पूछा जा सकता है तो दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इसके साथ में जितनी भी सीरीज में वीडियोज आती है ये हमारे प्रिलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज अगर आपको करंट uh, अफेयर को एज अ कोर्स पूरा कंप्लीट करना है आपको वंस एंड फॉर ऑल मॉड्यूल जो है वो कवर हो जाए करंट अफेयर का तो देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इट इज करंटेयर टू यू गेट वीकली पीडीएफ इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद में यू कैन बी अश्योर्ड की आपका करंट अफेयर वाला जो काम है वो डन हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द यूपीएससी का जो पेपर है वो आपको पता है कि करंट ओरियंटेड ज्यादा रहता है तो ये पर्टिकुलर कोर्स इज आई फिलोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर

एंड जज फॉर योर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आपकी जजमेंट ऑलरेडी बहुत स्ट्रोंग चल रही होगी इन दिनों अभी हम चलते हैं टॉपिक पे विच इज वेपोर फॉर उरू उज अ टाइप ऑफ बोट ना इसका एक ढाओ वर्ड होता है ना, सेलिंग बोट है ना और जो हमारा मालाबार कोस्ट है केरला के साथ में उसका और गल्फ कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड चलता आ रहा है वहां पर ये यूज होता था उस टाइप का ये टॉपिक है ये कल्चर का पार्ट बनेगा और क्यों ये न्यूज में आया कि इसके लिए ना जीआई टैग अभी सॉर्ट किया गया है जीआई टैग अभी टिल दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड अभी तक जीआई टैग मिला नहीं है इसको बट क्योंकि अप्लाई किया है और मोस्ट ऑफली इसको जी टैग आ भी जाएगा तो यहाँ पे uh, हमारे लिए ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम इसको अभी देख लेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो इसको बिल्ड करने में इन्वॉल्व होती हैं किस मटेरियल से बनी होती है क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इसके अंदर तो वो हम सब देखते हैं

हालांकि ये स्टेटमेंट बड़ी जेनरिक सी है और मैंने आपको बताई भी थी बट इसके अंदर आपको अगर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर प्री के अंदर बात हो सकती है तो डेफिनेटली uh, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है अगर हम इसको पूरे तरीके से कवर करना चाह रहे हैं दिस इज द एक एक कोर पॉइंट है इसमें कि दे आर अ सिंबल ऑफ केरला ट्रेड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप विद द गल्फ कंट्री चलो अब देखते हैं कि ये है क्या इट्स अ वुडन शिप सेलिंग बोट सेलिंग वेसल सेलिंग वेसल्टेड

और इस चीज से ये चीज आपके सामने भी आ रही है चलिए आगे देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन मेकिंग कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो इस बोट की में तो मेकिंग में आते हैं? आता इसके यही है, और इसको बोलते भी है, देखते है कि ओडाइस कम्युनिटी क्या क्या करती है इस पर्टिकुलर उसके अंदर they manage the technical matters of a ship building तो so, इनका काम मोस्टली शिप बिल्डिंग के अंदर है राइट right? अभी हम दूसरे का देखेंगे क्लासेस का उनका लॉन्चिंग के अंदर है अगर आपने youtube वगैरह पे वीडियोस देखी होंगे कि हाउ ह्यूज Ships are launched है ना तो वो लॉन्च करना भी अपने आप में एक आर्ट है लॉन्च मतलब लॉन्च करना मतलब कि जहाँ पे वो बन रहा है ड्राई एरिया में उसको उसके बाद पानी में उतारना देयर फैमिली नेम किसका ओडिसा का देयर फैमिली नेम कम्स फ्रॉम ओडम

पोटेंशियल प्री पॉइंट दे आर वर्ल्ड इन लॉन्चिंग जो है वो आपका खलास कर देगी मामला और सीधा आपका लॉन्च कर देगी याद रखना इसको और ये लॉन्च करता है वो बिल्ड है, अब करता है और क्या कहा जाता है तो यहाँ पे आता है कि ये लॉन्च करता है और उड़ाइस जो है वो बनाते हैं राइट right? तो ये थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली चीज है और मैंने आपको बताया था कि जी आई टैग शॉर्ट किया है प्रोबली जब तक प्री आएगा शायद उसको जी आई टैग हो भी तो इसके ऊपर आप जो अगर नोट्स बना रहे हो तो आप थोड़ा सा स्टाइल में इसको लिख के रख सकते हैं साथ साथ स्टार बना के कि इसको देखना है कि जी आई टैग मिल गया या नहीं मिल गया right, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आज का टॉपिक था हमारा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट द कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन तो यू मे ज्वाइन इट सेवन डेज का फ्री ट्रायल है लिंक इज डाउन देयर एंड माई नेम इज़ रोहित गर्जा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन यू आई एस